Hello and very good morning everyone. Very welcome to the session. So yes, quickly join. Let me know that you all are here. So everyone, myself Gulshan Akhtar, and aaj ke session mein we will be talking about the methods of teaching. Aaj ke session mein hum detail mein padhenge methods of teaching ke bare mein. सो दिस विल बी अ थ्योरी सेशन. ये थ्योरी सेशन होगा जहां पर हम आज पढ़ेंगे अबाउट द टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग. एवरी ईयर आपको इस पे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं आपके एग्जाम में. सो येस, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन मच डिटेल. ठीक है, आज हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे दोनों मेथड्स को. सो क्विकली कम जॉइन द सेशन. लेट मी नो दैट यू ऑल आर हियर. आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड. सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन. वेरी वेलकम टू द सेशन दोज हू हैव जॉइंड. सो जॉइन कर लिया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कैन बी पार्ट ऑफ दिस क्लास. अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी अपकमिंग आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. ओके, सो यस, क्विकली क्विकली कम, क्विकली लेट मी नो दैट आप सब आ गए हो क्लास में. एंड ऑल्सो द वीवीपी इज फाइन, वॉइस वीडियो पीपीटी ऑल द थ्री थिंग्स आर फाइन. मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड टू. So yes, quickly, hopefully the voice, video, PPT, all the three things are fine. आप सबने like कर दिया है, share कर दिया है, and we all are good to go. क्वेश्चंस तो नहीं, आज हम थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस एज वेल इन द क्लास. सो येस, आई कैन सी एवरीथिंग इज ओके, एवरी वन हैज कन्फर्म्ड एवरीथिंग इज फाइन. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. वंस अगेन एवरी वन, वेरी वेलकम टू द सेशन. ठीक है, चलो पढ़ते हैं अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के कितने मेथड्स हैं, तो टीचिंग के कितने मेथड्स हैं वो भी पता लगेगा. और डिटेल में आज आप पढ़ोगे अबाउट टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग. सो साउंड इज नॉट क्लियर. ठीक है, जिसको साउंड का प्रॉब्लम है प्लीज जल्दी से एक बार रिफ्रेश करो, फिर से क्लास को बंद करके खोलो और फिर मुझे बताओ इज द वॉइस फाइन एवरी वन. सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes. ठीक है, जल्दी से कंफर्म कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. ऑल क्लियर है? हां जी. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले व्हाट इज एग्जैक्टली मेथड ऑफ टीचिंग. मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? तो अगर हम बात करें वर्ड मेथड की, तो मेथड को लिया गया है लैटिन वर्ड से, मोड से. मतलब ये मेथड वर्ड बना है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मोड, जिसका मतलब होता है वे, किसी चीज को करने का तरीका. तो मेथड ऑफ टीचिंग है टीचिंग करने का तरीका, फाइन, पढ़ाने का तरीका. जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जब हम बच्चे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो टीचिंग क्या है? टीचिंग कम्युनिकेशन है, एज यू ऑल नो. तो जब हम बच्चों से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? हम जब बच्चे को नॉलेज इम्पार्ट करेंगे तो वो नॉलेज कैसे इम्पार्ट करेंगे, ये हमें मेथड ऑफ टीचिंग बताता है. ठीक है, अगर हम बात करें मेथड ऑफ टीचिंग की, तो आपके डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग है. फोर कैटेगरीज के मेथड ऑफ टीचिंग हो सकते हैं. इट कैन बी टीचर सेंटर्ड, इट कैन बी लर्नर सेंटर्ड, जिसको आज आप डिटेल में पढ़ोगे. देयर कैन बी अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग, जहां पे मेन फोकस कंटेंट को दिया जाता है, दैट इज कंटेंट फोकस्ड मेथड ऑफ टीचिंग. या देयर कैन बी इंटरक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. इंटरक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मतलब यहाँ पर हम टीचर सेंटर्ड वे से भी पढ़ा सकते हैं, लर्नर सेंटर्ड से भी, कंटेंट सेंटर्ड मेथड से भी पढ़ा सकते हैं. मतलब इट इज सिचुएशनल. ये सिचुएशनल होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कोई भी मेथड ऑफ टीचिंग को हम यूज करते हैं. सो देयर आर ऑल टुगेदर फोर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग. चार तरह के मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं. टीचर सेंटर्ड, यहाँ पे मेन रोल टीचर का होता है. लर्नर सेंटर्ड, मेन रोल लर्नर्स का होगा. Then we have content and interactive. So, आज के क्लास में डिटेल में we'll be talking about these two methods.
राइट सो यस लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग की। तो यहाँ मेन पोजीशन टीचर की होती है और बच्चों की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, पैसिव होती है। बच्चे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, लर्नर्स पैसिव होते हैं। पैसिव मतलब बिल्कुल निष्क्रिय होंगे, बच्चे का काम होगा जो टीचर बोल रहा है वो करें। सो यहाँ टीचर की मेन पोजीशन होती है, टीचर एक सब्जेक्ट मैटर के मास्टर या एक्सपर्ट के तौर पे देखा जाता है। मतलब टीचर इज लुक्ड अपॉन एज एन एक्सपर्ट, कि टीचर को सब पता है। टीचर बच्चे को नॉलेज देगा, बच्चे नॉलेज लेंगे टीचर से, ये टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में माना जाता है। सो टीचर इज लुक्ड अपॉन एज एन एक्सपर्ट, टीचर एक एक्सपर्ट या एक अथॉरिटी की तरह देखा जाता है। मतलब वो ही मेन होता है, वो जो बोलेगा बच्चे को वही करना होगा। टीचर सेंटर्ड मेथड्स में बच्चे पैसिव होंगे और बच्चे जो वही करेंगे जो टीचर बोल रहा है उनको, ठीक है। तो आपके टीचर सेंटर्ड मेथड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है, वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया, टीम टीचिंग हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ये सब आपका टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ टीचर को सुनेंगे और टीचर ही प्लान करेगा पढ़ाना क्या है, टीचर ही पढ़ाएगा और बच्चे टीचर को फॉलो करेंगे। तो टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचर सेंटर्ड में मेन रोल टीचर का होता है। वहीं अगर हम लर्नर सेंटर्ड मेथड्स की बात करें, शिक्षार्थी केंद्रित विधि की बात करें, तो यहाँ पे टीचर का मेन रोल नहीं होता है, बट टीचर एक फैसिलिटेटर या एक गाइड का काम करता है। जबकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होती है, मेन रोल किनका होता है, स्टूडेंट्स का। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलके एक साथ चीजों को सीख रहे हैं, यही होता है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे बच्चों के ऊपर हम लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। अब यहाँ बच्चा खुद चीजों को करेगा, डिस्कवर करेगा, खोजेगा, सीखेगा, तो ये होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। बच्चे के ऊपर टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब या लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। बच्चे को बोल दिया कि भाई तुम खुद करो, मैं हेल्प करने के लिए हूँ, जहां पे गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, टीचर इज अवेलेबल, नहीं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग की आपकी है। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में जो आपका टीचर होता है और बच्चे होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम पे आप बोल सकते हो कि टीचर क्या है, टीचर सिखाता भी है और सीखता भी है। तो आप ऐसे बोलते हो कि टीचर आपका इंस्ट्रक्टर भी है और साथ साथ वो खुद भी क्या कर रहा है, सीख रहा है। वो डिक्टेटर नहीं है कि वो एक्सपर्ट है, वो आपको बोलेगा और आप वही करोगे। टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टीचर का रोल होता है बच्चों को गाइड करने के साथ साथ वो खुद भी सीखता है। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर माना जाता है कि नॉलेज ऐसा गिवन नहीं है, नॉलेज को हम डिस्कवर करेंगे, नई नई नॉलेज हम हर रोज सीखेंगे। तो टीचर को भी हम एक लर्नर की तरह मानते हैं कि वो भी चीजों को करेगा बच्चों के साथ और वो भी सीखेगा, ठीक है। सो ही इज नॉट टेकन एज अ डिक्टेटर, मतलब वो तानाशाह नहीं होगा कि आपको बोल रहा है आप वही कर रहे हो जो टीचर बोल रहे हैं, नहीं। लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में बच्चा भी एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है, ठीक है। अब हम अगर लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो बच्चे को मुख्य भूमिका दी जाती है, लर्नर्स को सेंटर पोजीशन दी जाती है, बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लर्निंग के लिए, जबकि जो ट्यूटर है, जो टीचर है, वो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मतलब वो आपको सुविधाएं देगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा जहां से आप सीख सकते हो, बट सीखने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। सो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग है। अभी इसके ऊपर हम और डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले हम अगर टीचर सेंटर्ड के ऊपर वापस आए तो टीचर सेंटर्ड मेथड्स में हम कह सकते हैं कि फोकस किस पे होता है, टीचर पे होता है। मेन रोल किसका होता है, टीचर का होता है। हम टीचर को क्या मानते हैं, ये एक्सपर्ट है, इसको सब पता है। क्योंकि टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमें लगता है नॉलेज गिवन है, नॉलेज पहले से प्रेजेंट है, टीचर को आता है सब कुछ। अब टीचर क्या करेगा, टीचर आपको बताएगा, आप उसको क्या करोगे, उसको याद कर लोगे, जो टीचर ने बोला आपने बस उसको रट लिया, आपने उसको एज इट इज टीचर से ले लिया। आप इंफॉर्मेशन याद रखोगे, रिकॉल करोगे। बच्चे पैसिव होते हैं, पैसिव मतलब बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, बच्चे वही करते हैं जो टीचर बोल रहा है,
ठीक है, बच्चे का रोल यहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है कि क्या टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग वन वे कम्युनिकेशन है, बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग वन वे कम्युनिकेशन होता है? क्विकली, डिक्टेटर इज समवन हु विल बी डिक्टेटिंग एंड टेलिंग यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो जल्दी से बताएं क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग वन वे कम्युनिकेशन है, आंसर है येस। ये टू वे तब बनता है जब टीचर आपको परमिशन दे कि क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो बच्चे सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन वन वे ही होती है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर बोलता है बच्चे सुनते हैं। ये टू वे सिर्फ उस केस में बनता है जब टीचर ने परमिशन दी है कि कोई डाउट है तो पूछ लो, या बच्चों से टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो उस केस में बच्चे आपको जवाब देंगे, अदरवाइज बच्चे सिर्फ सुनेंगे आपको। ठीक है, यस। सो टीचिंग एनवायरनमेंट बहुत फॉर्मल होता है, रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में, क्योंकि बच्चे को सिर्फ ध्यान से टीचर की बात सुननी है, बच्चे को खुद से कुछ नहीं करना है, तो उनको एक फॉर्मल रूल के अंदर रह के चीजों को सीखनी होती है। एंड टीचर ऑक्यूपाइज अ मेन पोजिशन, टीचर की सेंट्रल पोजिशन होती है। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। आई बिलीव सबको टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सो ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है, प्लीज मेक नोट ऑफ इट। वन वे कम्युनिकेशन होता है टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में, क्योंकि बच्चे को क्या माना जाता है, बच्चे को बिल्कुल पैसिव माना जाता है। बच्चे को, हमें पता होता है, हम ये मान के चलते बच्चे को खुद नहीं कुछ आता, हम बताएंगे तो बच्चा सीखेगा, ये टीचर सेंटर्ड मेथड की अजम्पशन होती है। सो अगर हम टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से मेथड्स टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आएंगे, तो आपका लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड जहां पे एक से ज्यादा टीचर एक ही क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है, एक ही क्लास को, एक ही टॉपिक को पढ़ाते हैं, दैट इज टीम टीचिंग मेथड। इट कुड बी लेक्चर के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन करना, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब मैंने आपको उसको समझाया भी और मैंने वो चीज आपको करके दिखा भी दी। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है टू शो, दिखाना। तो मैंने आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करी और उसको मैंने करके दिखा दिया, तो ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है, क्योंकि यहाँ पे कौन दिखा रहा है करके, टीचर, लेक्चर दिया उसने और उसने एक बार उस चीज को करके दिखा दिया, तो दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टीचिंग, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अभी आने लगे हैं रिसेंटली एग्जाम में, डायरेक्ट टीचिंग क्या होती है। डायरेक्ट टीचिंग होती है टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग को हम डिडक्टिव टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो ये सारा आपका टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के एग्जाम्पल्स हैं, लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, देन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्ट टीचिंग, डिडक्टिव टीचिंग। अब इसके अंदर आपका टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन भी आएगा, मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दी, अब आप उसको अपने से सुन रहे हो और सीख रहे हो, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किसने किया था, प्लान किसने किया था कि क्या पढ़ाया जाएगा, फिर पढ़ा कौन रहा है, टीचर। बच्चे को सिर्फ इतना करना है कि जो मिल गया है उसको देख लेना है और वहीं से सीख लेना है। तो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन भी आपका टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आएगा। ठीक है, सो ऑल दीज आर योर टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। नहीं, डायलॉगिक कैसे होगा? ठीक है, डायलॉगिक मेथड ऑफ टीचिंग टीचर सेंटर्ड नहीं होता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सो दीज आर योर टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज उसको रट लेना ताकि आप एलिमिनेट कर सको टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से लर्नर सेंटर्ड पहचानो, तो लर्नर सेंटर्ड पहचानने के लिए टीचर सेंटर्ड एलिमिनेट कर देना, लर्नर सेंटर्ड आपको मिल जाएगा। फाइन, नाउ अब हम अगर लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर आए, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में हम किसको मेन पोजीशन देते हैं? स्टूडेंट को।
हम स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि वो अपने से करके चीज़ों को सीखेंगे। हम उनके ऊपर कोई भी लर्निंग इम्पोज नहीं करेंगे कि मैंने बोल दिया, बच्चे उसको एज इट इज़ ले लेंगे और सीख लेंगे, नहीं। बट स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में या लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है सीखने की। तो इस मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं? इस मेथड को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मानी सी बात है, ये जानी सी बात है कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना। स्टूडेंट्स के अंदर वी आर हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब अगर मेरे क्लास में अभी इस वक्त 118 स्टूडेंट्स हैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं एक तरह से पढ़ा दूं तो हर बच्चे को नहीं समझ में आएगा, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। तो इसलिए पढ़ाने से अच्छा है आप स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और उनको बोलो खुद करो, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे और वो सीखेंगे। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड हम क्यों यूज करते हैं? लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग हम यूज करते हैं ताकि बच्चों के अंदर डिफरेंसेस को हम एड्रेस कर पाए, बच्चों के अंदर जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हम उसको साथ में लेके चलें। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि जब बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो अपने अकॉर्डिंग सीखे, जिस तरह से वो सीख सकते हैं उस तरह से सीखे, ठीक है। सो इसलिए लर्नर्स को क्या माना जाता है, एक्टिव, एक्सक्यूज मी, लर्नर्स को क्या माना जाता है, लर्नर्स को एक्टिव एजेंट माना जाता है कि वो एक्टिव हैं, वो खुद से चीजों को सीखेंगे। लर्नर सेंटर्ड मेथड एक्टिव सर्च होता है कि बच्चे खुद एक्टिवली जाएंगे, चीजों को समझेंगे, खुद से सर्च करेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे वो कोई भी चीज आप पैसिव रिसीव नहीं करेंगे, कोई भी चीज बस निष्क्रिय होकर ले नहीं लेंगे जो टीचर बोल रहा है, बट वो एक्टिवली नॉलेज को सर्च करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच जहां आप स्कूल गए, टीचर ने आपको लेक्चर दिया, आप सुने और सुन के आ गए। लर्नर सेंटर्ड मेथड आपका मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है जहां पर हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे सीखने की, जैसे असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, जैसे हमने उनको असाइनमेंट दे दिया, हमने उनको कुछ कुछ एक्टिविटीज दी और उस एक्टिविटीज से उनको सिखाया, तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। सो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग में एक्टिव लर्निंग होती है। आई होप यू पीपल आर फॉलोइंग। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग मतलब बच्चे को हम क्वेश्चंस देंगे, बच्चे को हम प्रॉब्लम्स देंगे और वो उस प्रॉब्लम को खुद करके सीखेंगे, राइट। सो दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज कंप्लीटली एक्टिव लर्निंग। बच्चे पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं चीजों को। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, मतलब हम ग्रुप वर्क भी कराते हैं बच्चे को, बच्चे मिलजुल के सीखते हैं चीजों को। तो यहाँ पे बच्चे खुद एक्टिव होंगे, चाहे वो खुद से करके सीखें चाहे ग्रुप में काम करके सीखें, लेकिन सीखेंगे वो खुद ही, राइट। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में कोऑपरेटिव लर्निंग हो सकती है, एक्टिव लर्निंग हो सकती है, एज वेल एज इसमें इंडक्टिव टीचिंग होती है। इंडक्टिव टीचिंग क्या होती है? इंडक्टिव टीचिंग होती है कॉन्सेप्ट्स जाके बता नहीं देना। जैसे डिडक्टिव टीचिंग के अंदर टीचर क्लास में आया, टीचर ने कॉन्सेप्ट्स बच्चे को बताए और कॉन्सेप्ट्स बताने के बाद उसको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया, ये डिडक्टिव टीचिंग होती है। यहां पर नहीं होगी, यहां पे हम बच्चे को छोड़ रहे हैं ना कि वो खुद से सीखे। तो इंडक्टिव टीचिंग होगी, हम बच्चे को कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, एग्जांपल्स उनसे पूछेंगे, वो एग्जांपल हमें बताएंगे, हमने उनको एग्जांपल्स बताई, जब एग्जांपल्स वो अच्छे से समझ गए तो फिर हम उनको फिर कॉन्सेप्ट के तरफ लेके जाएंगे। तो ये इंडक्टिव टीचिंग होती है। तो इंडक्टिव टीचिंग में हम बच्चे को एग्जांपल से कॉन्सेप्ट के तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। और इस तरह से लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग कराई जाती है। लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के क्या क्या एग्जांपल्स हैं अभी हम उसको देखते हैं। बट बिफोर दैट एक जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, 2019 का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर व्हाट? स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्यों होता है, किस लिए होता है? क्विकली एवरीवन, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर वॉट? सो आई कैन सी देर इज डी, देर इज ए एज एन आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी से कॉमेंट्स में लिखते जाओ क्या लग रहा है करेक्ट आंसर। सो
So there is much confusion between A and D, but the correct answer for this question will be definitely option number A. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा. क्यों? स्टूडेंट सेंट्रिक अभी तो बताया, लर्नर सेंटर्ड मेथड आप क्यों यूज करते हो? लर्नर सेंटर्ड इसलिए यूज नहीं करते हो कि बच्चे को एंगेज कर पाओ. लर्नर सेंटर्ड के पीछे रीजन है कि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हम उसको केटर करना चाहते हैं, उसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए इस मेथड को यूज करते हैं. लर्नर सेंटर्ड की फर्स्ट स्लाइड में आपको मैंने यही अभी पढ़ाया. देन व्हाई इज सो मच कंफ्यूजन इन द क्लास? देखो, लर्नर सेंटर्ड क्यों होता है, हम इसलिए यूज नहीं करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड को पूरे क्लास को एंगेज कर सके. एंगेज तो आप बहुत से मेथड से कर सकते हो. क्लास में आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, बच्चे एंगेज हो जाएंगे. लेकिन क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम? लर्नर सेंटर्ड मेथड को ही क्यों यूज करते हो? क्योंकि वी वेरी वेल नो दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर. मेरे क्लास में अगर 130 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है, तो उनको पढ़ाने का एक कोई फिक्स मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरीवन हैज देयर ओन एबिलिटीज. हो सकता है बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हो और मैं उनके ऊपर लर्निंग इम्पोज नहीं कर सकती. मुझे उस तरह से पढ़ाना होगा जिस तरह से सबको समझ में आए. तो इट्स बेटर कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि खुद करके सीखो, तो वो अपने अकॉर्डिंग सीखेंगे और सब सीख जाएंगे. तो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड ऑफ टीचिंग इज मेंट फॉर एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है, अब आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स आएंगे? ठीक है, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर कौन कौन से मेथड्स आएंगे? तो सबसे पहले आएगा आपका असाइनमेंट मेथड. असाइनमेंट, मैंने क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक के ऊपर हमने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ इट इज डिडक्टिव. ठीक है, प्लीज यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वॉट इज डिडक्टिव. ठीक है, चलो अगर हम बात करें असाइनमेंट की, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके लर्नर सेंटर्ड का. मैंने आपको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाई और मैंने उसका होमवर्क दे दिया आपको. तो अब जब आप घर जाके उस काम को करोगे, आप अपनी नॉलेज यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो आप एक्टिव हो गए. तो ये असाइनमेंट मेथड होता है. नेक्स्ट इट कुड बी प्रोजेक्ट मेथड. ठीक है, तो अगला हो सकता है आपका प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड क्या और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है? तो देखो, असाइनमेंट इज योर होमवर्क. जो टॉपिक मैंने आपको भी पढ़ाई है, मैं उसका होमवर्क दूं, आप खुद जाके अब उस नॉलेज को खुद अप्लाई करोगे, तो दिस इज असाइनमेंट. जबकि प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ऐसा नहीं है कि क्लास में पढ़ाया जाएगा फिर प्रोजेक्ट दिया जाएगा. तो प्रोजेक्ट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक, बट जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उसके ऊपर होमवर्क कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने क्लास में मैथ्स पढ़ा दिया आपको और फिर उसके 5 से 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए, तो वो असाइनमेंट है. प्रोजेक्ट वुड बी समथिंग एल्स जो आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हो. ठीक है, थर्ड मेथड इज योर ग्रुप डिस्कशन मेथड. ग्रुप डिस्कशन क्यों? बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं. टॉपिक दे दिया हमने उनको, अब वो टॉपिक को क्या करेंगे? टॉपिक को आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे. तो इट इज ऑल्सो योर लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग. देन वी हैव ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? डिस्कवरी मेथड. हमने बच्चे को छोड़ा कि जो अपने से डिस्कवर करो चीजों को, खोज के सीखो. तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग, बच्चे को बोला, एक टॉपिक दे दिया, एक हमने उनको एक प्रॉब्लम दे दी और इसके ऊपर उनको जो जितने भी आइडियाज आ रहे हैं, हमने बोला कि हमें आइडियाज बताते जाओ आप. जितने आइडियाज आपको आ रहे हैं दिमाग में, उतने आइडियाज मुझे देते जाओ. तो दिस इज व्हाट ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग. हम बच्चों के दिमाग में स्टॉर्म क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ओपन लर्निंग. ओपन लर्निंग मतलब दूरस्थ शिक्षा, खुली शिक्षा, मुक्त शिक्षा बोलते हो हिंदी में. तो ये क्या है? ये भी लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ बच्चे को फ्रीडम है, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको पूरी रिसोर्सेज पहले से दे दी जाती है, अब अपने स्पीड से अपने अकॉर्डिंग सीखो. राइट, देन व्हाट एल्स, और क्या मेथड्स होंगे आपके लर्नर सेंटर्ड के अंदर? तो लर्नर सेंटर्ड के अंदर आपका रोल प्ले आएगा. बच्चे को हमने रोल दे दिया, उस रोल को वो प्ले कर रहे हैं, वो करके सीख रहे हैं. तो दिस इज योर लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग. लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आता है. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाया, मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, और मैंने स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए मैंने एक तरह से पढ़ाया,
दूसरे ग्रुप को दूसरे तरह से पढ़ाऊं, तीसरे ग्रुप को तीसरे तरह से पढ़ाऊं, तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, ये भी लर्नर सेंटर्ड मेथड है। मैं लर्नर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूं, सो दिस इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट मेथड आएगा अंडर लर्नर सेंटर्ड मेथड, कितने कुछ भी सोच लो जहां पर लर्नर्स एक्टिव हैं वो आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग होगा। तो हमने बच्चे को क्वेश्चंस वगैरह दिया, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाया, तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है? इनडायरेक्ट टीचिंग है लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने बच्चे को क्वेश्चंस वगैरह कराए, वो क्वेश्चंस करके चीजों को सीख रहे हैं, मुझसे डायरेक्टली नहीं सीख रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टीचिंग भी लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। लर्नर सेंटर्ड मेथड को आप इंडक्टिव टीचिंग भी के नाम से भी जानते हो। इंडक्टिव टीचिंग, राइट? इंडक्टिव टीचिंग मतलब मैं बच्चे को कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बच्चे को एग्जाम्पल्स दूंगी और एग्जाम्पल से मैं उनको कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जाऊंगी। तो दिस इज योर इंडक्टिव टीचिंग इज ऑल्सो योर लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सो लर्नर सेंटर्ड क्या? जहां स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। देयर कैन बी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, देयर इज PSI मॉडल, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ये सब आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आते हैं, ठीक है? सो यस, दैट वॉज इट। आई होप सारे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ गए होंगे। टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर हम सम अप करें अपने टॉपिक को जो हमने आज पढ़ा, सो टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड के अंदर हमने अभी पढ़ा क्लास में कि टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग वो होता है जहां पे मेन पोजीशन होती है टीचर की। हम टीचर को एज एन एक्सपर्ट मानते हैं, ठीक है? हम टीचर को एज एन एक्सपर्ट मानते हैं, एंड एज एन एक्सपर्ट मतलब कि टीचर पूरी तरह से ही रिस्पॉन्सिबल है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चे सिर्फ टीचर का सुन के सीखेंगे। जबकि लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में मेन कौन होता है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ऊपर हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, वो खुद चीजों को करके सीखते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे मतलब कि टीचर भी एक्टिव है, स्टूडेंट भी एक्टिव है, बच्चे कम्युनिकेट करके सीखते हैं, बच्चे सिर्फ टीचर से नॉलेज अब नहीं लेंगे, ठीक है? टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में नॉलेज क्या होती है? नॉलेज गिवन होती है और टीचर फिर अब बच्चों को नॉलेज देगा। जबकि लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर माना जाता है कि हमारी नॉलेज क्या है, हम नॉलेज को डिस्कवर करेंगे, नॉलेज को खोजेंगे, नॉलेज बच्चे खुद खोजेंगे और खोज के सीखेंगे, ठीक है? आई होप सो मच सो फार इज क्लियर एवरी वन। कोलैबोरेटिव भी आपका लर्नर सेंटर्ड है, कोऑपरेटिव भी आपका लर्नर सेंटर्ड है। सेमिनार आपका ऑब्वियसली सेमिनार के अंदर डिस्कशंस होते हैं, तो वो भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आएगा। PSI इज पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। सो यस, दैट वॉज इट। आई बिलीव ये सारे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड। प्लीज इसकी शॉर्ट नोट जरूर से बना लेना, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 100% श्योर ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो नोट्स बनाते चलो, ऐसे छोटे छोटे से मैं कॉन्सेप्ट्स आपको कराती रहूंगी, एंड जब कॉन्सेप्ट्स हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे तो वी विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस और हम क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एज वेल एज हम साथ साथ बेसिक्स भी पढ़ते रहेंगे, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें, आपको साथ साथ पता भी चलता रहे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो यस एवरीवन, मेरी क्लासेस होती हैं ट्यूसडे एज वेल एज थर्सडे at 10 AM only on YouTube. So do join me live sharp at 10 on Tuesday and Thursday. इसके अलावा भी मैं sessions लेती रहूंगी YouTube के ऊपर, इसलिए आपको जरूर से subscribe करके bell icon press करना है ताकि सारी notifications आपको मिलती रहें। You can join our Telegram channel as well. हमारे Telegram channel को आप search कर सकते हो paper one by Toshiba Gulshan ma'am एंड निशान सर, ठीक है?
सर्च कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वी कीप ऑन अपडेटिंग अबाउट द क्लासेस एंड अदर स्टफ्स देयर एज वेल. सो प्लीज मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो मिलेंगे बहुत जल्द आप सब से. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ एंड बाय एवरीवन.